राम नाम अनमोल जगत में, राम नाम अनमोल जगत में, प्राणी कर ले ध्यान के बेड़ा पार करें हनुमान, बेड़ा पार करें हनुमान, पार करें हनुमान, बेड़ा पार करें हनुमान, पार करें हनुमान, बेड़ा पार करें हनुमान। युद्ध में लंका की आधी सेना मारी गई। ये समाचार सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। उसने मंत्रियों से कहा, वानरों ने लंका की आधी सेना का संहार कर दिया, अब तुम लोग शीघ्र बताओ क्या करना चाहिए। इस पर रावण के नाना तथा श्रेष्ठ मंत्री माल्यवान ने कहा कि जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से लंका पर नित्य नए नए विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। मेरी सलाह मानो और वैर छोड़कर जानकी जी को वापस कर दो तथा श्री राम का भजन करो। रावण को माल्यवान के वचन बाण की तरह लगे और उसने कहा कि अरे अभागे, यहाँ से अति शीघ्र अपना मुंह काला करके निकल जा, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। माल्यवान समझ गया कि इस दुष्ट की मृत्यु आ गई है, उसको समझाना व्यर्थ है और वहां से उठकर चला गया। मेघनाथ ने क्रोध पूर्वक कहा कि पिताजी, कल युद्ध भूमि में आप मेरा अद्भुत पराक्रम देखेंगे। मैं संपूर्ण वानरी सेना का संहार कर तथा राम को लक्ष्मण सहित बांधकर आपके चरणों में डाल दूंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। विचार करते करते सबेरा हो गया। प्रातः वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। राक्षस भी बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विकट वानर योद्धा भिड़ते, घायल हो जाते, उनके शरीर जर्जर हो जाते, फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे। वे बड़े बड़े पहाड़ों को किले पर फेंकते थे। राक्षस जहां तहां दबकर मारे जाते। जब मेघनाथ ने सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है, तब वे वीर किले के बाहर निकला और डंका बजाकर मदमस्त काल की तरह वानरों की सेना की तरफ चला। उसके द्वारा छूटे हुए बाणों के समूह पंख वाले सर्पों की तरह दौड़कर वानर योद्धाओं को खाने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने दिखाई नहीं पड़ा था। बलवान मेघनाथ सिंह के समान युद्ध भूमि में गरजने लगा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध कौशलाधीश राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान कहाँ हैं? भ्रातद्रोही विभीषण कहाँ हैं? आज मैं सबको अपने काल सरदर्श बाणों द्वारा अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। मेघनाथ की ललकार तथा अपनी सारी सेनाओं को बेहाल देखकर पवन पुत्र हनुमान हाथ में एक विशाल पहाड़ लेकर मेघनाथ की तरफ दौड़े। पहाड़ को देखकर मेघनाथ तुरंत आकाश में अदृश्य हो गया। एक ही प्रहार में उसका रथ, घोड़े और सारथी चकनाचूर हो गए। हनुमान जी के निकट मेघनाथ नहीं आता था, क्योंकि उनके बालक मर्म जानता था। तदांतर श्रीराम और लक्ष्मण के पास जाकर खून, हड्डियां तथा पीप की वर्षा करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो मेघनाथ से भिड़ गए। लक्ष्मण के बाणों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अपने प्राणों को संकट में जानकर उसने लक्ष्मण पर वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति उनकी छाती में लगी, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। मेघनाथ भय छोड़कर लक्ष्मण के पास गया और सोचा कि उन्हें उठाकर रावण के पास ले चलूं, किंतु लाख प्रयत्न के बाद भी उन्हें उठा नहीं सका और लजाकर चला गया। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर राम के दल में ले आए, जिससे चारों तरफ शोक छा गया।